सो वेलकम बैक फ्रेंड्स फॉर द सेकेंड मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने देखा था व्हाट आर नंबर सिस्टम्स। डू यू रिमेंबर समथिंग? बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं ना नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम वन, है ना, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। हमने फर्स्ट मॉड्यूल में कर लिया था ऑलरेडी। देन होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब दोज नंबर सिस्टम और दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो फोर। देन कम्स इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे नेगेटिव नंबर्स भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगी। ऐसे नंबर सिस्टम्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, राइट? तो ऑलरेडी हमारा एक कंसेप्ट है जो हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था, इट वाज रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू, जहां पे पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन को सिर्फ लर्न नहीं करना है, इसको हमको समझना है। मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जहां पे हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q कैसे हैं, दे बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन ऐसे नंबर्स को हम मतलब p अपॉन q फॉर्म में जो नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, राइट? नाउ जैसे हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स वर वन टू थ्री फोर डॉट 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 डॉट, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। क्या हम इन नंबर्स को वन को मैं वन अपॉन वन लिख सकता हूं? यस। टू को मैं टू अपॉन वन लिख सकता हूं, थ्री अपॉन वन, फोर अपॉन वन। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर्स जीरो वन टू थ्री, इनको भी अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन लिख सकते हैं। दैट मीन्स एवरी होल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे ही इंटीजर्स हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, आई कैन राइट अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन। सो एवरी इंटीजर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म में। मतलब अभी तक हमने जितने भी नंबर सिस्टम देखे थे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इन सबको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू, दे आर सेड टू बी रैशनल नंबर्स। सो एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल, एवरी होल नंबर इज रैशनल, एवरी इंटीजर इज रैशनल। बट द अदर वे राउंड इज नॉट ट्रू, का मतलब है कि एवरी रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी इक्वल टू इंटीजर्स, मे और मे नॉट बी इक्वल टू होल नंबर्स, मे और मे नॉट बी इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, राइट? यहां तक हमने देखा था। फिर उनके डेसिमल एक्सपांशन में पी अपॉन क्यू फॉर्म में, पी अपॉन क्यू फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे अपॉन वन को बहुत ही कॉमन हो गया है, सो कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। सिर्फ फाइव अपॉन टू p अपॉन q फॉर्म में, सो इट्स रैशनल, राइट? माइनस थ्री अपॉन टू इज ऑल्सो रैशनल, सेवन अपॉन माइनस थ्री है ना, तो भी रैशनल। मतलब p अपॉन q फॉर्म में चाहिए, एवरीबडी इज देयर। जहां p एंड q कैसे होने चाहिए, दे शुड बी इंटीजर्स, यहां पे एवरी टाइम दे आर इंटीजर्स, राइट? अच्छा, ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहां पे न्यूमरेटर में डाला, यहां पे डिनोमिनेटर में डाला हुआ है, doesn't hardly matter, actually it doesn't matter. जैसे कि minus a upon b is same as minus a upon b is same as a upon minus b. कुछ mathematical concepts हमको यहां पर समझने होंगे कि whether the negative sign is in the numerator, in the middle or in the denominator, hardly matter. The whole fraction is negative. Fraction is negative, right? मतलब say minus 7 upon 3
आप बोलोगे कि यहाँ पे सर न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बट द सेम थिंग आई कैन राइट दिस थिंग एज 7/-3. तो इसका मतलब ये और ये अलग है क्या? नहीं, द होल फ्रैक्शन इज नेगेटिव, राइट? नाउ इसका मैं अगर डेसिमल एक्सपांशन करने जाऊं या इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, अगर वो टर्मिनेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग. से फॉर एग्जांपल 5/2 इज 2.5, -3/2 इज -1.5. बट अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करने जाऊं, से विद माइनस साइन, 7/3, सो पॉइंट के बाद में वी कैन हैव प्लेंटी ऑफ जीरोस. 3 2s are 6, राइट? -1 0, 3 3s are 9 1 0, 3 3s are 9 1 0, 3 3s are 9, and so on, like this one. Now this minus or 7/-3 is nothing but it is -2.3333... which can also be written as -2.3 bar. ये बार क्यों लिखा हमने? क्योंकि बार बार आ रहा है ना, 3 बार बार आ रहा है अपने को, सो इट इज -2.3 bar. इसका मतलब ये है कि कोई भी रैशनल नंबर p/q फॉर्म में, अगर मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने जाऊं, तो आइदर इट टर्मिनेट्स, यहां पे टर्मिनेट हो गया, देखो 2.5 खत्म, उसके आगे कुछ भी नहीं है, -1.5 खत्म, 5.7 खत्म, 2.34 के बाद में कुछ भी नहीं, 4 के बाद कुछ भी नहीं, टर्मिनेट हो गया है, राइट? बट इट इज समथिंग लाइक 2.34 34 34, जिसको हम लिख सकते हैं 2.34 bar. देन आई मीन टू से दैट कोई भी रैशनल नंबर अगर उसको मैं डेसिमल में एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करूं, तो आइदर या तो वो टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट होगा, वो रिकर करेगा, राइट? सो हम रैशनल नंबर्स को और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. रैशनल नंबर इन देयर डेसिमल एक्सपांशन आइदर दे टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिकर. ऐसा अनदर एग्जांपल, सॉरी अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रैशनल नंबर इज ऑल्सो देयर. इसके बारे में हम आगे देखेंगे, राइट? तो जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली इरैशनल नंबर्स भी रहेगा, राइट? सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, रैशनल तो ये हो गया, तो आप लोग राइमिंग में क्या बोलते हैं कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q, राइट? देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज इरैशनल नंबर्स. एंड यू आर राइट ऑल्सो, यू आर राइट. मतलब जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं, राइट? अगर हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? तो डेफिनेटली कुछ अलग अलग फॉर्म्स रहेंगे. जैसे कि p/q फॉर्म रैशनल नंबर्स को हमने डेसिमल में एक्सप्रेस किया था, तो डेसिमल में ये कैसा था? 5.126 टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, राइट? सो अगर मैं इरैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं? डेसिमल में कर सकता हूं मैं, राइट? अब डेसिमल में रैशनल नंबर्स क्या बोलता है? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आइदर टर्मिनेट और which do not terminate but it recur. तो उसका अपोजिट क्या रहेगा? एक ऐसा नंबर जो न तो टर्मिनेट होता है और न ही रिकर करता है, ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5.982307872 ना, ये तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकर हो रहा है, ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स. तो अभी थोड़ा समझना इजी हो जाएगा. रैशनल नंबर्स मतलब राइट,
Now just try to understand. Rational numbers in their decimal expansion either they terminate, या तो वो terminate हो जाते हैं या फिर अगर terminate नहीं हो रहे हैं तो वो recur करते जाएंगे, जिसको हम 7.33333 लिख सकते हैं, या फिर 5.2 बार, मतलब 2 repeat हो रहा है. Sometimes it may be something like say 14.363636 मतलब जिसको हम लिख सकते हैं 14.36 बार. मतलब तो digits 3 and 6 they are repeating, right? And irrational numbers. Now, irrational numbers are those numbers whose decimal expansion neither terminates, na to wo terminate hota hai, neither they recur. Aise numbers ko hum irrational numbers kehte hain. Kuch bachon ko confusion rehta hai yahan pe, 2.01001001, matlab yahan pe symmetry nahi ho rahi, dekho yahan pe एक जीरो के बाद में बनाया, यहाँ पे दो जीरो के बाद में बनाया, यहाँ पे तीन जीरो के बाद में बनाया, इसका मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, राइट? सो दिस इज इरेशनल, इरेशनल, रैशनल, 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 समथिंग लाइक दिस वन. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, राइट? सो नाउ सिंपल क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है, तो क्या हम नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर्स कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं, बिकॉज वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. क्या हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर्स कह सकते हैं? कह सकते हैं. क्या हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं. ऑलराइट, नाउ रैशनल और इरैशनल दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स देखे थे, नेचुरल नंबर्स दे आर रैशनल, होल नंबर्स रैशनल, integers rational, irrational numbers not rational, right? Irrational numbers and rational numbers are two disjoint sets, wo alag alag hai, boys girls, right? Waise hi rational irrational. Getting a point? Rational numbers or irrational numbers ko combinedly saath mein we call them as real numbers, right? Sahi suna aapne, real numbers, sachi muchi ke numbers. So what are real numbers? Real numbers, rational and irrational numbers, combinedly they are called as real numbers. Jaise boys and girls, combinedly they are called as students. Hai na beta? Waise hi, jaise ki boys, girls ko combinedly we call them as students in the classroom, right? Waise hi rational numbers or irrational numbers ko combinedly hum kya bolte hain? Real numbers. सपोज मैंने आपको पूछा कि ये डब्बे में, बताया आपको कि ये डब्बे में रियल नंबर्स हैं, है ना? तो हो सकता है कि वो नेचुरल हो, होल नंबर हो सकता है इंटीजर हो, होता है, हो सकता है रैशनल हो सकता है इरैशनल हो, राइट? रियल नंबर्स बोला. अगर मैंने बोला कि इस डब्बे में, है ना, इन डब्बों में, इस डब्बे में वी हैव गॉट ओनली रैशनल नंबर्स, मतलब हमको इरेशनल नंबर्स इसमें नहीं है. ये सब चीजों का जो डिस्कशन चल रहा है, इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दो अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, वो एक नहीं हो सकते हैं. अभी आपको एक डाउट आएगा कि यार व्हाई दे शुड बी कॉल्ड एज रियल नंबर्स, अगर रियल है तो नॉन रियल नंबर्स भी होने चाहिए. हैं, जो आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में रहेगा, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे स्कोप के बाहर का है वो, है ना? तो हम, हमारा जो स्कोप है टिल 10th स्टैंडर्ड तक, दैट इज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पे ही हम उसका यूज करेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो नॉन रियल नंबर्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे हम, राइट? सो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे शुड बी कॉल्ड एज रियल नंबर्स, सच्ची मुच्ची के नंबर्स क्यों है? बिकॉज rational as well as irrational numbers, they can be represented on a real number line. जो number line हम बात करते हैं उसका actual में it is called as real number line. Right? बीच में zero रहेगा. This is 1, 2, 3, 4. Here it is -1, -2, -3, something like this one.
सो जिन जिन नंबर्स को हम इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, राइट। तो कौन कौन से नंबर्स हैं? तो होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, राइट। बट इन सभी को अभी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स, है ना। अलग सा कुछ नाम थोड़ी क्यों दें हम उनको, राइट। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम एज हरियाणा का है, पंजाबी है, मलयाली है, मराठी है, तेलुगु है, वी कॉल देम एज इंडियन, राइट। वैसे ही नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इन सब के बारे में क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर्स, राइट। सो रैशनल नंबर्स को तो हम इनके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही इरैशनल नंबर्स को भी हम इनके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, राइट। तो आज मैं एक छोटा सा आपको कन्वर्जन बताता हूँ कि क्या रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हैं उनको हम डेसिमल में लिख सकते हैं कि नहीं, या जो डेसिमल में है उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ एग्जांपल लेंगे डेसिमल वालों का जो कि टर्मिनेट होते हैं, है ना, और जिनको हमको पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमको कन्वर्जन कैसे करना है फ्रॉम डेसिमल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म में, डेसिमल से पी अपॉन क्यू फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट करना है। से अब डेसिमल में दो टाइप के रहते हैं, एक तो रहता है टर्मिनेटिंग वाला और दूसरा रहता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला। तो पहले हम टर्मिनेटिंग वाला लेते हैं। अब टर्मिनेटिंग वाले में से 5.12 एक एग्जांपल, देन 0.5602, देन 3.455, समथिंग लाइक दिस वन, राइट। अभी इन नंबर्स को कन्वर्ट करना पी अपॉन क्यू फॉर्म में बहुत ही आसान है, राइट। आप कैसे लिखोगे? ये जो पूरा नंबर है 512, नेगलेक्टिंग दिस डेसिमल, यू राइट डाउन दिस वन 512 अपॉन डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? दो डिजिट्स हैं, तो विल डिवाइडेड बाय 100 पी अपॉन क्यू फॉर्म में, राइट। ये वाला पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे हम 5602 डेसिमल के बाद में हमने डिजिट्स आते हैं 1 2 3 4, 10,000 चार जीरोस, समझ में आ रहा बेटा? देन 3.455, है ना। तो हम भी पूरा नंबर लिखेंगे 3455 अपॉन डेसिमल के बाद में तीन डिजिट्स हैं, तो दिस विल बी 1000। बहुत सिंपल एग्जांपल्स थे ये, हम ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है 8th standard में 7th standard में, हा? तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आई टेक सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेसिमल एक्सपांशन कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू से डेसिमल तक, राइट। टिल देन गुड बाय।